नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। आयुष मंत्री ने गुजरात से मंगवाए 500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 250 भेजे गए देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने गुजरात से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए हैं, जिनमें से 250 ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून पहुँच भी चुके हैं। कैदियों को पैरोल पर रिहा करना हो सकता है खतरनाक, अंतरिम जमानत देना उचित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश पर उत्तराखंड की जेलों से कैदियों की पैरोल पर रिहा करने की कवायद जारी है। ऐसे में कानून के जानकार अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी की माने तो खूंखार कैदियों को पैरोल पर रिहा करने से समाज में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। उत्तराखंड को मिली 1,22,000 वैक्सीन, कई संस्थाओं ने दिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को संत निरंकारी मंडल देहरादून की तरफ से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। ऑक्सीजन की कमी के साथ ही राज्य में वैक्सीन की कमी को भी दूर किया जा रहा है। इसके तहत आज राज्य को 1,22,000 वैक्सीन की खेप भी मिली है। बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई, दरोगा और कांस्टेबल लाइन हाजिर। कोरोना कर्फ्यू के तहत पुलिस ने शहर के सभी मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों, बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों और वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली धाम के लिए रवाना, कल खुलेंगे कपाट। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली रविवार को कैलाश के लिए रवाना हो गई। सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। गमले में रखते थे चाबी, नशेड़ी की पड़ गई नजर, खाली कर दी तिजोरी। अगर आप ही घर की चाबी घर में ही कहीं छुपा कर जाते हैं तो जरा संभल जाएं, आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। कहीं जाते वक्त हमेशा अपनी चाबी साथ रखें। दरअसल महिला गमले में चाबी रखती थी, इस पर नशेड़ी की नजर पड़ गई। उसने दोस्तों के साथ घर में घुसकर सोने के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी में इनकी नो एंट्री, पुलिस ने बंद कराया गेट। कोरोना काल में मंडी में लगातार भीड़ उमड़ रही है, इसको देखते हुए पुलिस ने पहले वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया था, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी राहत नहीं मिल पाई। इसको देखते हुए अब प्रशासन ने बड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत मंडी में नवीन सब्जी मंडी परिसर में चार पहिया और दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। कोरोना मरीजों को दी जाएगी ये किट। कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कई तरह की दवाइयों की कोरोना किट उपलब्ध है। जेनेरिक दवाइयों की किट भी अब लगातार डिमांड बढ़ने लगी है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोरोना मरीजों को आयुष 64 किट को बड़े स्तर पर वितरित करने की पहल की है। आयुष मंत्रालय के स्तर पर आयुष 64 को खरीदने की तैयारी पूरी हो गई है। केंद्र आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के अनुसार आयुष 64 का उपयोग बिना लक्षण वाले लेकिन कोरोना संक्रमित, बेहद कम या बिना ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों के उपचार में फायदेमंद है। महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। हरिद्वार आरपीएफ में तैनात एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, इससे पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। जानकारी मिली, मृतक कांस्टेबल का नाम मनुजा है, जो कि हरिद्वार रेलवे कॉलोनी की क्वार्टर में रहती थी। शनिवार को उसके कमरे में उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। दो आरोपी गिरफ्तार, छह जा चुके जेल, इतनों की तलाश, ये था पूरा मामला। कुछ दिनों पहले अक्सर क्षेत्र के खेड़ी खुद गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। अंतिम संस्कार कर घर लौट रहे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने अचानक ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। इस दौरान लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में कई लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की अब भी तलाश है। कोरोना से डरने को तैयार नहीं लोग, इससे पुलिस भी परेशान। कोरोना कर्फ्यू को लेकर पुलिस सख्ती की बात तो कर रही है, लेकिन सख्ती कहीं नजर नहीं आ रही। पुलिस लगातार लोगों को कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, लेकिन उसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा। लाख समझाने के बाद भी लोग कुछ समझने को तैयार नहीं है। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा। थाना क्षेत्र में 500 अधिक कोरोना पॉजिटिव केस है। कोरोना के खिलाफ जंग में साथ आ रहे लोग, हंस फाउंडेशन ने सीएम को सौंपी ये मदद। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठनों से लेकर विभिन्न संस्थाएं और निजी तौर पर लोग सरकार की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। लगातार मदद सरकार तक पहुंच रही है। आज ही पहले सीएम तीरथ सिंह रावत को हेमकुंड साहिब फाउंडेशन मेडिकल उपकरण दिए, इसके बाद हंस फाउंडेशन ने भी सीएम को कई मेडिकल उपकरणों की खेप सौंपी। शंकराचार्य की गद्दी नृसिंह मंदिर से बद्रीनाथ धाम रवाना, 25 लोगों को मिली अनुमति।
नरसिंह मंदिर से रावल की अगुवाई में शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान प्रशासन से 50 लोगों के धाम में रहने की अनुमति मिली है। नैनीताल से बड़ी खबर, गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत, अस्पताल में तोड़फोड़। नीलकंठ अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। यह मामला हल्द्वानी के नीलकंठ अस्पताल का है। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला के इलाज में गंभीरता नहीं बरती गई, जिससे के कारण उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही SSP सिटी जगदीश चंद्र भी मौके पर पहुंचे और मृतक महिला के परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गौजा जाली निवासी महिला 7 महीने की गर्भवती थी। उसको कुछ तकलीफ हुई थी, जिसके बाद यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने मेन अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। कर्फ्यू में ठेके बंद तो कच्ची शराब बेचकर चले थे मुनाफा कमाने, ऋषिकेश पुलिस ने धर दबोचा। प्रदेश में 18 मई तक और कर्फ्यू लागू है। इस बीच मुनाफा कमाने के लिए कई लोग अवैध काम कर रहे हैं। कर्फ्यू में शराब के ठेके बंद है तो ऐसे में कई लोग कच्ची शराब बेचकर मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। वहीं इन आरोपियों को पकड़ने में ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बता दें कि ऋषिकेश पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से अवैध 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पतंजलि योगपीठ जिला प्रशासन की मदद के लिए आगे आया। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना रोकथाम के लिए कई समाज सेवी संस्थाओं से आगे आकर मदद करने की अपील की गई है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए पतंजलि योगपीठ भी संक्रमित मरीजों को कोरोनिल किट दे रहा है। प्रदेश के सभी तहसीलों में जल्द मिलेगी टेलीमेडिसिन सेवा, युवा डॉक्टरों ने शुरू की मुहिम। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बीच प्रदेश में डॉक्टरों की कमी भी देखी गई, जिसको लेकर एम्स के चिकित्सकों की ओर से 1600 डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों की मदद करेंगे।